सशक्त विचार ही जीवन का निर्माण करती है। आइए आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं? आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं, और जब वो मजदूर इन्हें यहां नहीं पाएगा तो वो घबराएगा, तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और उसका आनंद मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। जीवन भर उस आनंद को याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात सुनकर थोड़े से गंभीर हो गए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत के वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए कितनी बेशकीमती है तुम्हें शायद पता भी नहीं। तुम्हें यह शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुपकर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों ने पास की ऊंची झाड़ियों में जाकर के छुप गए। थोड़ी देर बाद मजदूर जल्दी ही अपना काम करके जब जूतों के पास आए तो उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले तो उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसे लगा कि कुछ है। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपने जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर जो है वह भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, आसमान के तरफ देख करके फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़ करके बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहां आए थे। शायद समय पे प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण ही आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और इसके दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है या ज्यादा, तुम ही सोचो। बेटे ने कहा, आज आपसे जो मुझे सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में मैं एक अजीब से सुकून का अनुभव कर रहा हूँ। आज के प्राप्त हुए इस सुख को और आनंद को मैं जीवन भर शायद नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं यह समझ गया हूं कि लेने की अपेक्षा देना कहीं ज्यादा आनंददायी है। तो फ्रेंड्स, इससे हम यही सीखते हैं कि सिर्फ लेना ही नहीं, हमें देना भी सीखना चाहिए। द गोल ऑफ लाइफ शुड नॉट बी सेल्फिश, द गोल ऑफ लाइफ शुड टू गिव एंड हेल्प अदर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी अगली जानकारी में। धन्यवाद।